किश्तवाड़ से एक और दुख भरी खबर। ये दुख भरी खबर है एक 22 या 23 साल नौजवान जिसकी पहचान समीर अहमद गुजर के नाम पर हुई है, और इसकी मौत जो है वो आज एक टिप्पर हादसे में हुई, जो हादसा शालीमार के करीब हुआ। समीर अहमद गुजर सना मोहम्मद यासीन गुजर, रेजिडेंट ऑफ टंगवाड़ी के जो रहने वाले हैं, उनकी जो है वो इस टिप्पर हादसे में आज मौत हो गई, जो शालेमार के करीब हादसा हुआ है आज शाम को। और उसमें एक तनवीर अहमद लोन, जो कि बिटा के नाम से भी जो है वो जाने जाते हैं, किश्तवाड़ खास के रहने वाले हैं, वो जख्मी हुए। जैसे ही ये हादसा हुआ, ये जो तनवीर अहमद लोन है इसमें इंजोर जो हुआ वो गाड़ी से जो है वो निकलने में कामयाब हुआ, जबकि ड्राइवर जो समीर अहमद गुजर जो गाड़ी चला रहा था, वो जो ये टिप्पर है, जब ये हादसे का शिकार हुआ वो इसके नीचे दब गया। ये टिप्पर जो है वो शालीमार की तरफ जा रहा था, जब अचानक ये जो है वो टर्टल हो गया। कुछ लोग जो है वो इसको रोल डाउन बोल रहे थे, रोल डाउन नहीं हुआ है, ये टर्टल हुआ है, यानी कि पलटा खाने के बाद जो है वो फिर थोड़ा सा खिसक गया। जबकि रोल डाउन होता है कि कोई चट्टान से जो है या गहरी खाई में जाकर जो है वो लुढ़कते हुए गिर जाए, वो जो है उसको रोल डाउन बोलते हैं। लेकिन क्योंकि मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने इसको जो है वो रोल डाउन चलाया है, ये स्किड ऑफ हुआ है और उसके बाद जो है ये टर्टल हुआ है, जिसमें जो समीर अहमद गुजर नाम का जो शख्स है उसकी जो है वो मौत हो गई। जैसे ये हादसा हुआ, पुलिस और जो लोग वहाँ पर चल रहे थे, क्योंकि ये नेशनल हाईवे 244 है और काफ़ी बिजी रहता है, और वहाँ पर नज़दीक में ही पुलिस पोस्ट शालीमार भी है, जैसे ये हादसा हुआ वैसे ही वहाँ पुलिस लोग और रेस्क्यूअर जो है वो पहुँच गए, लेकिन उनको काफी मशक्कत करनी पड़ी जो समीर अहमद है उसको निकालने के लिए, क्योंकि वो टिप्पर के नीचे जो है वो धंस गया था। जब तक क्रेन पहुंची और क्रेन ने जो है वो गाड़ी को उठाया और फिर समीर को निकाला गया, हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि वो स्पॉट पर ही डेड थे, लेकिन जब उनको हॉस्पिटल लिया गया वहां पर डॉक्टरों ने उसको जो है वो पूरा डेड कर जो है वो करार दिया। इस हादसे के बाद फिर से एक बार जो है वो कई सवालात उठ रहे हैं। नेशनल हाईवे पे जो लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, आईन के लिए कौन जिम्मेवार है? ज्यादातर जब हम देखते हैं कि इसमें ह्यूमन नेग्लिजेंसी ही जो है वो निकलती है, या तो ओवर स्पीड होती है या ओवर लोडिंग होती है, क्योंकि हम लगातार इन चीज़ों को लेकर जो है वो बात कर रहे हैं कि जो ओवर लोडिंग है, ओवर स्पीडिंग है, और जो हेड लोड जो गाड़ियाँ कैरी करते हैं, हम देखते हैं कि जम्मू से भी गाड़ियाँ आती हैं, उनमें भी जो है वो काफ़ी माल ऊपर से लदा हुआ होता है। आज ये जो टिप्पर है ये जाहिर सी तौर से बात है, या रेत या बजरी लाने के लिए जो है वो जा रहा था, क्योंकि रात को ही जो है वो अलाउड होती है जो माइनिंग प्रोजेक्ट्स है उनकी मूवमेंट जो है वो रात को ही जो है वो सिटी में जो है वो अलाउड होती है। ये जो हादसा जो है वो जब हुआ, जैसे कि मैंने बताया कि लोग जो है वो वहाँ भारी तादाद में पहुंचे और इसको जो है वो हॉस्पिटल शिफ्ट किया, इंजर्ड को जो तनवीर अहमद लोन है वो वहाँ पर जो है जेरे इलाज है, हालांकि बताया जा रहा है कि वो बिल्कुल ठीक है, उनको ज़्यादा चोटें नहीं लगी हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि जो समीर गुजर जो नौजवान जिसकी 22 से 23 साल के करीब उम्र बताई जा रही है, अल्लाह ताला उसको मगफिरत करे, उसको जन्नतुल फिरदौस अता करे, और उसके घर वालों को जो है वो सब्र जमील अता करे, क्योंकि जो ये छोटी मौतें होती हैं छोटी उम्र की, इनको नागानी आफत भी कहा जाता है, और ये जो मौत है ये एक किस्म की शहादत भी जो है वो तसव्वुर की जाती है। और हम इस और दुआ करेंगे कि जो तनवीर अहमद लोन है जो बिट्टा है वो भी जो है वो सेहतियाब हो जाए, और अल्लाह ताला करे उनको भी कोई ऐसी चोट ना हो कि जिससे वो जो है बाद में परेशानी से जूझें। लेकिन अभी की यही खबर है कि जम्मू किश्तवाड़ नेशनल हाईवे 244 जो शालीमार के करीब टिप्पर हादसा हुआ, उसमें एक नौजवान शख्स की जो है वो मौत हो गई है। हम लोगों से अपील करेंगे कि वो जो है वो गाड़ियाँ चलाते वक्त सीट बेल्ट पहने और एहतियात का जो है वो वहाँ पर मुजाहरा करें। अभी ये नहीं पता है कि इस हादसे की वजह क्या है, क्या ह्यूमन एरर है, टेक्निकल एरर है, लेकिन जो हमें बताया गया कि ये जो गाड़ी जब कर्व पर थी, जब ये ड्राइव जो है वो कर्व कर रहा था, ड्राइवर वो अपनी गाड़ी पे जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाया, वो आगे से जो है वो एक जो
देरी थी, उसके साथ टकराने के बाद जो है वो ये गाड़ी जो है वो लुढ़क गई और इसमें समीर अहमद नाम के शख्स की जो है वो मौत हो गई। इस गाड़ी का नंबर था JK 1749, JK 1749, जो कि एक टिपर था जो हादसे का शिकार हुआ, और अब पुलिस ने इस मामला दर्ज किया है और इंक्वायरी जो है वो शुरू कर दी है। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।